अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद कसूर आप से मुखातिब हूँ। मोहम्मद मुजाहिद है। ये तकरीबन 7 दिन पहले भाई ने कमेंट्स किया था। बाकी वीडियोस थी, बाकी टॉपिक थे, क्योंकि हफ्ता एक टॉपिक तैयार करके रखते हैं, फिर उनके बारे में सर्च करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाती है। तो बाकी अब कोशिश कर रहा हूँ कमेंट्स पर भी आपका रिप्लाई करूँ, जो शॉर्ट कमेंट्स होते हैं, जो बात आपको यस या नो में दे सकते हैं उनके कमेंट्स के जवाब भी दे रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो तफसीलन है उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ। जो भाई कमेंट्स करके भूल जाते हैं या कहते हैं कि हम आपकी वीडियो में इंतज़ार में हैं, तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट है आप दोबारा रिपीट कमेंट्स कर दिया करें, क्योंकि कमेंट्स की सीरीज़ काफ़ी लंबी होती है तो कमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं। मोहम्मद मुजाहिद का कमेंट्स है कि 2021 से 23 वाले बैच वाले इक्वल नहीं हैं, और दूसरा अगर इंग्लिश में पेपर देंगे तो फिर इक्वल होंगे, और जो थर्ड चीज़ है इंग्लिश के पेपर के इंग्लिश FSC के बराबर डिग्री करवाने के लिए इंग्लिश के पेपर देना लाजमी है, और भाई ने मैट्रिक UA डिस्पेंसर करना चाहता है। तो भाई जान आपको एक छोटी सी मिसाल, छोटी सी एग्जांपल, छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद आपके तमाम तर सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने FSC की डिग्री के इक्वल किया इसको प्रोग्राम को। अब 2021 से 23 वालों के अब जो इसको इक्वल किया, इसको के लिए जो करवाना चाहेगा वो इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इसके अलावा इस्लामियात और दो इनके पेपर देने थे। अब आपके सामने 21 से 23 बैच वालों के पेपर होने जा रहे हैं, 1 से 2 मंथ रह गए। अगर अभी वो सिलेबस देते तो 2 महीने में क्या तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने ये किया है प्रोसेस कि अभी इनको ऐसे पेपर देने दें जिनको तैयारी की हुई है, ये फर्स्ट ईयर के देंगे, सेकंड ईयर के पेपर देंगे, या सेकंड ईयर में सिलेबस ऐड कर दें, अभी कंफर्म नहीं हुआ सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर के पेपर देंगे। ये 21 से 23 जैसे इनको डिग्री मिल जाएगी, OT वालों को डिग्री मिल जाएगी, डिस्पेंसर वालों को डिग्री मिल जाएगी। अगर ये दोबारा डिग्री दिलवाना चाहेंगे अपना, इक्वल टू FSC करवाना चाहेंगे, तो उसके लिए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका शेड्यूल है अपना इस्लामाबाद बोर्ड से रब्ता करके वो तहरीर कर सकेंगे। तो आपको बात समझ आ गई। तो मैंने कहा था इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू। अब सिलेबस आप डिस्पेंसर करना चाह रहे हैं, डिस्पेंसर के लिए अब जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, एक केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, और इसके अलावा अनाटमी फिजियोलॉजी है, और थर्ड अगर आपकी अनाटमी है अपना ऑपरेशन थिएटर के बारे में पढ़ाया जाएगा, और उसके अलावा OT के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो बाकी इस्लामियात है उर्दू है और इंग्लिश है और तकरीबन कंप्यूटर है, ये 8 सब्जेक्ट बनने जा रहे हैं। बाकी आप मैट्रिक की हुई है 45%, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में 45% आपके नंबर हैं तो आप ज़रूर दाखिला लें, और आप बाकी स्टडी यही आप करें। 2021 से 23 वालों को बैच वालों को इसलिए भी कहा था कि इनको अगर ये सब्जेक्ट ऐड कर देते तो इनकी तैयारी में मसला बन जाता। अब 2022 से 24 वाले जितने भी बैच हैं वो इस चीज़ में करेंगे तैयारी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।